तो यदि आप टिकटॉक यूजर है या फिर आप टिकटॉक पे लाइव में कभी भी वीडियो बनाने के सोच रहे हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देख लेना, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि 90% टिकटॉक यूजर ऐसे हैं जो कि टिकटॉक पे वीडियो अपलोड करने के बाद 3 मिस्टेक्स करते हैं, जिसके कारण उसके वीडियो पे लाइक चेंज व्यूज नहीं आता है। तो मैं आज मैं आपको बताऊंगा वही 3 मिस्टेक्स के बारे में जो आप लोग गलती करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो हम बात करने वाले थे 3 मिस्टेक्स के बारे में। मैक्सिमम टिकटॉक यूजर क्या गलती करते हैं, जब भी हम टिकटॉक पर वीडियो अपलोड करते हैं तो वीडियो अपलोड करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे वीडियो पे यदि हम लोग वीडियो अच्छे बनाए होते तो हमारे वीडियो पे 1 से 2 घंटे के अंदर में लाइक चेंज व्यूज अच्छे खासे आ जाते हैं। लेकिन वहीं पे हम लोग मिस्टेक्स करते हैं। फर्स्ट मिस्टेक्स क्या करते हैं, हम वीडियो यदि अच्छे बनाए होते तो हमारे वीडियो पे एक कमेंट आता है, नाइस वीडियो, सुपर वीडियो, कुछ इस तरह से। हम लोग गलती क्या करते हैं, उस कमेंट को रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम जाते हैं मैसेज बॉक्स में, हमारे वीडियो को कमेंट आया होता है, कमेंट पर क्लिक करते हैं और उसे रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं। रिप्लाई देने से क्या होता है, हमारा वीडियो जो हमने वीडियो जो अपलोड किया है वो वीडियो ऑटोमेटिक चलने लगता है, यानी कि वॉच होने लगता है। इससे क्या होता है, हमारा आइडियो रिटेंशन ख़राब होता है, टिकटॉक को पता चल जाता है कि खुद का वीडियो खुद देख रहा है, इसलिए आपका वीडियो वहाँ पे टिकटॉक प्रमोट नहीं करता है। तो ये आपको मिस्टेक्स नहीं करना है, सबसे फर्स्ट गलती। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज नहीं आएंगे और वहीं पे आपको लाइक्स एंड व्यूज रुक जाता है। तो ये आपको गलती नहीं करना है। मिस्टेक्स नंबर 2, जब भी आप टिकटॉक पर वीडियो अपलोड कर देते हैं तो वीडियो अपलोड करने के बाद खुद का वीडियो खुद को नहीं देखना है। क्योंकि हम ज़्यादातर गलती क्या करते हैं, हम लोग वीडियो अपलोड कर देते हैं, अपलोड करने के बाद हम देखते हैं हमारे वीडियो पे कितने लाइक्स कितने व्यूज आए। इससे क्या होता है, टिकटॉक को लगता है कि खुद को वीडियो खुद देख रहा है, व्यूज एंड लाइक्स बढ़ा रहा है, इसलिए आपका वीडियो आगे प्रमोट नहीं करता है। तो इनके बाद थर्ड मिस्टेक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, तो काफ़ी ध्यान से देखना। तो यहाँ पे हम क्या गलती कर बैठते हैं, जब भी हम टिकटॉक पे वीडियो अपलोड करते हैं, वीडियो अपलोड करने के बाद हम लोग देखते हैं वीडियो हमें कैसा लगा और हम अपने दोस्तों को भी बता देते हैं, दोस्तों को भी दिखाते हैं यदि वीडियो देखना किस प्रकार से बना है। तो वीडियो आपको एक बार देखते हैं, दो बार देखते हैं, 3 बार देखते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने वीडियो में से खुद को मिस्टेक्स निकालते हैं, हमने कहाँ गलती कर बैठते हैं। नए टिकटॉक यूजर जो होते हैं ज़्यादातर ये मिस्टेक्स करते हैं और अपने और उसे लगता है कि हाँ यहाँ पे मैंने गलती किया था, उसको फिर से वीडियो को एडिट करके अपलोड करने की कोशिश करता है। तो आपको मैं बता दूँ, जो वीडियो आप टिकटॉक पे अपलोड कर दिए है उस वीडियो को आपको डिलीट नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि वीडियो सही नहीं है तो उस वीडियो को आप प्राइवेट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है उस वीडियो को हम लोग डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट आपको नहीं करना चाहिए और उस वीडियो को जो वीडियो आपने अपलोड कर चुके उसको रीपोस्ट नहीं करना है। यदि आप रीपोस्ट भी करते तो उस वीडियो पे लाइक चेंज व्यूज नहीं आएगा और यहाँ पे आप लोगों का टिकटॉक अकाउंट जो है फ्रीज होने के भी चांसेस बढ़ जाता है। तो यदि आप टिकटॉक यूजर है तो आप लोगों को 3 मिस्टेक्स नहीं करना है। यदि आप लोग 3 मिस्टेक्स करते हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल शैलेंद्र चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आपको किसी भी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।